बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लीवर फंक्शन। तो लीवर जो है, जिगर जो है, इसके फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से समझना ज़रूरी है कि ये बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है। अगर लीवर इफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है। तो लीवर के फंक्शन क्या है, ये ब्लड के अंदर बेसिकली क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता होता है। फिर ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन होती है उसको ये निकाल देता होता है इसके अंदर, यानी कि ब्लड से टॉक्सिन को निकालने में भी ये हेल्प करता है। फिर डिस्ट्रॉय जो सेल होते हैं ब्लड के अंदर उसको भी ये निकालने में हेल्प करता होता है। तो ब्लड के अंदर इसके ये फंक्शन है। फिर ये स्टोरेज करता है। स्टोरेज में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं, आयरन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली इसके अंदर जाके स्टोर होती है लीवर के अंदर। तो अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो ये चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे जाके ये स्टोरेज भी करता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती हैं। फिर मेटाबॉलिज्म में इसका क्या वर्क होता है कि मेटाबॉलिज्म के अंदर ये बेसिकली क्या करता है कि लिपिड को भी तोड़ता है, प्रोटीन को भी तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स को भी। तो ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको भी रेगुलेट करता है। ये इसी की बदौलत होता है क्योंकि अब इसके अंदर बाइल प्रोड्यूस हो रही होती है तो बाइल जो है वो उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करती होती है। अगला इम्यूनिटी में ये क्या हेल्प करता होता है, तो इम्यूनिटी के अंदर फाइगोसाइट जो होते हैं जिसे हम कुफर सेल्स कहते होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। डिस्ट्रॉय पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया हैं या पैथोजेन है उसको डिस्ट्रॉय करने में भी ये हमारी हेल्प करता होता है। अब हम एक टेस्ट करवाते हैं, ये तो इसके फंक्शन थे। अब हम एक टेस्ट करवाते होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर डिटेल में लीवर फंक्शन टेस्ट को समझना है तो इसके लिए एक LFT वाला लीवर फंक्शन टेस्ट पे कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके फंक्शन क्या है कि एक तो डिजीज को और डैमेज को मॉनिटर करने के लिए हम करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, एल्ब्यूमिन सीरम में एल्ब्यूमिन को हम चेक करते होते हैं। फिर कुछ इसके एंजाइम्स हैं, जैसे आपने SGPT, SGOT, GGT, अल्कलाइन फास्फेट ये सुना होगा। तो ये इसके बेसिकली एंजाइम्स हैं। तो इसका क्या है, ALT है जैसे, तो ALT का है L-9 अमाइनो ट्रांसफिरेज, और AST का मतलब है अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफिरेज, और GGT है इसी तरह अल्कलाइन फास्फेट है। तो ये चीज़ें इसके बेसिकली एंजाइम हैं। तो अगर यानी कि आपने, आपको जैसे हम सुनते हैं कि लीवर जब इफेक्ट होता है तो उसके अंदर बेसिकली क्या आ जाता है कि SGPT SGOT इफेक्ट हो जाती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसका मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसको अगर चेक करना है तो इस चीज़ को हम, अगर ये नॉर्मल रूटीन में चल रही है तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल वैल्यू हर जगह पर लिखी होती है, साथ जहाँ भी रिपोर्ट आप करवाते हैं। अगर अब नॉर्मल है तो फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है बिलिरुबिन लेवल है और प्रोथंबिन टाइम है। तो ये चीज़ें भी हम इसके अंदर चेक करते होते हैं। थैंक यू वेरी मच।